तो दोस्तों आज हो रहा है बारिश, तो बारिश में कुछ चटपट खाने का मन करता है। दोस्तों घर में तो कुछ है ही नहीं, तो बनाए क्या। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक रेसिपी लेकर के आई हूँ दोस्तों, जो हर किचन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे एक कटोरी मैंने आटा लिया है। इसको बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने नमक लिया है 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार। उसके बाद 2 प्याज ली हूँ, इसको बारीक काट ली हूँ, और यहाँ पे हरी मिर्च को बारीक काट ली हूँ, और यहाँ पे हम सब मसाले को मिलाएंगे, मतलब प्याज, हरी मिर्च, नमक। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा। दोस्तों इसको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे पहले। दोस्तों एक बार की पूरा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा पानी डाल करके इसको सानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसको अच्छे से मैं सान दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से जीरा डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इसको हमें ढक करके आधा घंटे के लिए ऐसे रहने देना, इसको अच्छे से फूल जाएगा। तो दोस्तों आधा घंटा हो गया, अब मैं आपको खोल के यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से ये हमारा घोल पूरा फूल गया है, पकौड़ी बनने के लिए थोड़ा तैयार है। तो एक बार इसको हम डोला लेते हैं। दोस्तों आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से ये फूला हुआ है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, सोडा वगैरह वैसा कुछ नहीं। तो इसको मिलाने के बाद दोस्तों चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैं गैस पे कढ़ाई रखी हूँ, इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। दोस्तों तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तेल हमारा गर्म हो गया अच्छे से, इसको हम अब पकौड़ी इसमें हम डालेंगे। आप छोटा बड़ा यहाँ पे पकौड़ी का डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं इतने साइज का डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पकौड़ी एक तरफ अच्छे सेक गया है, इसको हम दूसरी तरफ सेक लेंगे, पलट देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो पकौड़ी हमारा अच्छे से सिक गया है, एक बार इसको हम डुला देंगे और इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने अच्छे से बना हुआ है, अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा मार्केट के जैसे पकौड़ी बना हुआ, आप कोई नहीं कह सकता कि ये आटे का पकौड़ी है।